हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। तो ये पार्ट 6 है इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ 2019-20 का, सातवां पार्ट है। इसके पहले मैं छठवां पार्ट बना चुका हूं। पार्ट 6 और पार्ट 7 एक ही टॉपिक पर है, जो कि अध्याय 4 पर निर्भर करता के बेस्ड पे है, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे। इसके दो वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसका पहला वीडियो जरूर देखें, उसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट 7 है, ठीक है। इस इकोनॉमिक सर्वे के कुल मैं 5 और इसके अगले वीडियो मिलाकर 6 वीडियो बना चुका हूँ। ये सातवां वीडियो है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैं बहुत सारे कंटेंट पढ़ाया हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य पढ़ाया हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ाया हूँ और बाकी चीजों के बारे में पढ़ाया हूँ। इसमें मैं दो टॉपिक पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक सर्वे के। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो लागू हुआ था, और छत्तीसगढ़ में जो लागू हुआ था छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में। मतलब छत्तीसगढ़ में पहले लागू हुआ, फिर बाद में भारत का मतलब केंद्र स्तर पर लागू हुआ। ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ लागू करने वाला पहला राज्य था, ये भी याद रखना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसकी इसमें जो पीडीएस जो है, ठीक है, जो क्या बोलना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खाद्यान्न पात्रता होती है उनमें 78% जनसंख्या को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ मिलता है। 78% मतलब लगभग 2 करोड़ को, जैसे 5 किलोग्राम प्रति सदस्य चावल मिलता है, खाद्यान्न की पात्रता मिलती है। कितना? 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न की पात्रता होती है इस अधिनियम के आधार पर। और राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 पहले बताया था, छत्तीसगढ़ का पहले लागू हो गया था 2012, जिसको राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम बोलते हैं 2012, उसके आधार पर जनसंख्या लगभग 82% को यहाँ पर प्राप्त होता है इसका लाभ। 2.12 करोड़ जनसंख्या को और 7 किलोग्राम प्रति सदस्य प्राप्त होता है जो लाभ होता है, वो कितना है? 7 किलोग्राम प्रति सदस्य पात्रता होती है, जो खाद्यान्न की पात्रता होती है वो 7 किलोग्राम प्रति सदस्य होती है। खाद्यान्न की पात्रता 7 किलोग्राम प्रति सदस्य है, इसमें 5 किलोग्राम प्रति सदस्य है। अब देखो खाद्यान्न की पात्रता एवं दर कैसा है। अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार इस बार सामान्य दिया गया है, 1, 2 और 3, तीन परिवारों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, अंत्योदय, प्राथमिकता वाले परिवार और सामान्य परिवार, ठीक है। इसके पहले मैं बता देता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 इसके तहत 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की पात्रता होती है राष्ट्रीय स्तर पे। अगर पूछेगा राष्ट्रीय स्तर पे चावल कितना मिलता है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, 3 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मूल्य 3 रुपए, जबकि राज्य के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले 56.42 लाख परिवार, ये इंपॉर्टेंट है, अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो 56.42 लाख परिवार, इनको चावल जो मिलता है वो 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है। और सामान्य परिवारों को जिनकी संख्या 8.54 लाख है, ये अभी जुड़ा है, याद रखिएगा, सामान्य परिवार कब जुड़ा, जब सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यूनिवर्स पीडीएस, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ छत्तीसगढ़ में। सामान्य परिवारों को भी, जो आयदाता है और जो गैर आयदाता है, उनको भी खाद्यान्न प्राप्त करने का पात्रता होगा। उसी के तहत सामान्य परिवारों की संख्या कितनी है, 8.54 लाख परिवार हैं, जिनमें चावल मिलेगा 10 रुपए प्रति किलोग्राम, बोलेगा सामान्य परिवार के लिए तो 10 रुपए, और अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार को 1 रुपए प्रति किलोग्राम चावल मिलेगा, सामान्य को 10 रुपए प्रति किलोग्राम। संख्या याद रखेगा, 8.54 लाख, 56.42 लाख, मतलब 56,42,000, और ये 8,54,000 मान के चलिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, पात्रता कितना कितना रुपए में दिया जाएगा। तो अंत्योदय परिवार को ये पात्रता और ये दर है, मूल्य है, चावल कैसे मिलेगा, 35 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा अंत्योदय परिवार को, 35 किलोग्राम प्रति माह, एक माह में 35 किलोग्राम मिलेगा, और उसका मूल्य होगा 1 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 35 किलोग्राम मिल रहा है 35 रुपए देना पड़ेगा 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है। चना 2 किलोग्राम प्रति परिवार मिलेगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, एक परिवार को 2 किलोग्राम मिलेगा, और 1 किलोग्राम का मूल्य है 5 रुपए, मतलब 10 रुपए देना पड़ेगा उनको, ठीक है। नमक, नमक को 2 भागों में बांटा गया है,
अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र। जो अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं उनको 2 किलोग्राम प्रति परिवार नमक दिया जाएगा जो कि आयोडीन नमक होगा, आयोडाइज्ड होगा, और गैर अनुसूचित परिवार को मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं उनको 1 किलोग्राम प्रति परिवार नमक दिया जाएगा। और ये नमक हमेशा कैसे मिलेगा? निःशुल्क मिलेगा, याद रखिएगा, नमक हमेशा निःशुल्क दिया जाता है। प्राथमिकता परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार को चावल, चावल को 3 भाग में बांट दिया गया है इस बार की पीडीएस में, पहले ऐसा नहीं था। 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 से 5 सदस्य और 5 से ऊपर सदस्य, 4 भाग में बांटा गया है। 1 सदस्य को 10 किलोग्राम प्रति माह, जिनके यहां 1 सदस्य है उनको 10 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा। 2 सदस्य वाले को 20 किलोग्राम प्रति माह, 3 से 5 सदस्य को 35 किलोग्राम प्रति माह और 5 सदस्य से ऊपर वाले को हर सदस्य के पीछे 7 किलोग्राम मिलेगा। मतलब 7 × 5 = 35, 35 ही प्राप्त हो रहा है। 5 से ऊपर वाले को 35 ही मिलेगा मान के चलिए, जैसे 6 है ठीक है तो 6 × 6 = 42 मिलेगा उसको, मतलब हर सदस्य को 7 किलोग्राम मिलेगा ठीक है। अगर 5 है तो 35, 5 से ऊपर है तो हर सदस्य 7 किलोग्राम, 7 किलोग्राम प्रति माह प्रति सदस्य, ये याद रखिएगा, इसमें प्रति सदस्य भी एडेड है। और सबकी पात्रता होगी 1 रुपए प्रति किलोग्राम, सबका मूल्य होगा 1 किलोग्राम का एक मूल्य, 1 रुपए मूल्य। अगर ये 10 किलोग्राम लेता है तो 10 रुपए देना पड़ेगा, 20 लेता है तो 20 रुपए देना पड़ेगा, 35 लेता है तो 35 रुपए देना पड़ेगा। और अगर 5 सदस्य है तो ये भी 35 देगा, 6 है तो 7 × 6 = 42 रुपए देगा, 7 × 37 = 39 रुपए देगा। इस प्रकार से पात्रता होगी चना और नमक पूर्वानुसार, अर्थात जो अंत्योदय परिवार को मिलता है चना और नमक, वैसे ही चना और नमक प्राथमिकता वाले परिवार को भी मिलेगा उतने ही मूल्य पर, और वैसे ही प्रक्रिया से सेम प्रक्रिया आप प्राथमिकता वाले परिवार में दोहराएंगे। अब आ जाइए सामान्य परिवार, तीसरा परिवार इस बार जोड़ा गया है। तो सामान्य परिवार की संख्या याद रखना है आपको 8.54 लाख। सामान्य परिवार को चावल, चावल के लिए इसको 3 भाग में बांटा गया, जैसे तो 4 में इसको 3 में, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 से 5 सदस्य। 1 सदस्य को 10 किलोग्राम प्रति माह, 2 सदस्य को 20 किलोग्राम प्रति माह, 3 से 5 सदस्य को 35 किलोग्राम प्रति माह चावल मिलेगा ठीक है। और इसका मूल्य होगा 10 रुपए प्रति किलोग्राम, इनका एक रुपए, इसका 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो सामान्य परिवार को जो चावल दिया जाएगा वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाएगा, ये राज्य का है और ये राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय स्तर पर कितना दिया जाता है? 3 रुपए प्रति किलोग्राम, ये क्वेश्चन पूछ चुका है ठीक है। अब आ जाइए आगे, चने की पात्रता केवल अनुसूचित क्षेत्र के अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को होगा, ये भी याद रखना है। चना केवल अनुसूचित क्षेत्र में दिया जाएगा और वहां भी अंत्योदय और प्राथमिक, जहां जिस अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य परिवार उनको नहीं मिलेगा भाई, केवल अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को मिलेगा। केरोसिन भी केवल अंत्योदय और प्राथमिक परिवार को मिलेगा, केरोसिन में अनुसूचित क्षेत्र नहीं लिखा है, केरोसिन हर वो क्षेत्र के अंत्योदय और प्राथमिक परिवार को मिलेगा, लेकिन चना केवल अनुसूचित क्षेत्र के अंत्योदय और प्राथमिक परिवार को मिलेगा। केरोसिन केवल अंत्योदय प्राथमिक परिवार, चाहे वो अनुसूचित हो चाहे वो गैर अनुसूचित हो। शक्कर भी वैसा, शक्कर भी 1 किलोग्राम शक्कर मिलेगा एक परिवार को प्रति राशन कार्ड, एक राशन कार्ड के पीछे 1 किलोग्राम शक्कर, जिसका मूल्य होगा 17 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मूल्य होगा 17 रुपए और वो प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। एक राशन कार्ड के पीछे 1 किलोग्राम शक्कर दिया जाएगा जिसका मूल्य होगा 17 रुपए प्रति किलोग्राम, और यह भी केवल अंत्योदय और प्राथमिक परिवार को मिलेगा, चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र के हो चाहे वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हो, लेकिन चना केवल अनुसूचित क्षेत्र के अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को मिलेगा ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आ जाइए ये अगला टॉपिक है, राशन कार्ड का रंग। तो राशन कार्ड का रंग, राशन कार्ड का रंग संख्या और सर्वाधिक किस जिले में है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है या पूछा गया क्वेश्चन है। अंत्योदय परिवार का कलर है गुलाबी, अंत्योदय राशन कार्ड का कलर गुलाबी, प्राथमिकता वाले का नीला, एकल निराश्रित जो राशन कार्ड है उसका भी गुलाबी, अन्नपूर्णा वाले का स्पेशल गुलाबी, निःशक्त जन के राशन कार्डों का हरा कलर होता है और सामान्य कार्ड का कलर अभी इसमें मेंशन नहीं है ठीक है। संख्या, इनकी संख्या देखिए 13,95,129, प्राथमिकता वाले परिवारों की संख्या या राशन कार्डों की संख्या 41,95,996, एकल निराश्रित की संख्या 38,268, अन्नपूर्णा वाले राशन कार्ड की संख्या जिनका रंग स्पेशल गुलाबी है 6,181, निःशक्त जन वाले का 9,000